हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गोपाल सुल्तानिया है। मैं ग्लोबल बिजनेस बिल्डर, कंसल्टेंट एंड नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपका इस ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने इसको ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए बोला क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ बदल दी थी फ्रेंड्स, और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी भी लाइफ बदल, क्योंकि ऐसा कहते हैं फ्रेंड्स, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो ही आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपकी लाइफ में? क्या एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा पैसा, देश विदेश की यात्रा, अच्छी सेहत, घर वालों को वो सारे सुख आराम देना या अपने दोस्तों के साथ में क्वालिटी का समय बिताना? क्या है फ्रेंड्स, आप पहले अपना जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहचान। अब फ्रेंड्स, मेरा आपसे सवाल है, 1960 की अगर हम बात करें तो 100 रुपए महीने के अंदर घर चल जाता था। ठीक 20 साल बाद 1980 में 1000 रुपए के अंदर एक परिवार पल रहा था, और ठीक 20 साल बाद 2000 के अंदर 10000 रुपए के अंदर एक स्ट्रगलिंग लाइफ, मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली, चार जनों का सदस्य, रेंट के ऊपर, किराए के ऊपर अपना घर है, बच्चों की स्कूल की फीस है, स्कूटर है, उसको मेंटेन करने लगे, और ऐसे ही चला फ्रेंड्स। तो आने वाले 20 साल बाद यानी कि 2020 के अंदर 1,00,000 रुपए भी कम पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स आपको विश्वास ना हो, एक छोटा सा, एक सिंपल सा एक एड मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत पॉपुलर हुआ था, आइए देखिए। अरे दामा, ए अल्बर्ट, ये दूध कैसे दिया? 180 रुपए लीटर। क्या बात कर रहा है, पेट्रोल कैसे दिया भाई? 230 रुपया लीटर। 230? एक तो नेक्स्ट स्टॉप 50 रुपया 50। अरे रोको रोको, क्या रुको? अरे मिनिमम हमारा 50 रुपया हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है दादा, आज नहीं पर 20 साल बाद। माने रिटायरमेंट के बाद तो जवानी रहेगी ना आमदनी, तब क्या करेंगे दादा? महंगाई देख रहे हैं, आज 15,000 में घर चल जाता है, कल 1,00,000 रुपए कम पड़ जाएगा। तो करें क्या? फ्रेंड्स, देखा भी आपने कैसे 20 साल बाद ये 1,00,000 रुपए भी आपको कम पड़ेगा। और फ्रेंड्स सच्चाई है, अभी देखिए ना, 2018 के अंदर भी लोगों को 50,000-70,000 रुपए के अंदर आप सिर्फ 2 BHK का किराए का मकान अफोर्ड कर सकते हैं, खुद का नहीं, EMI की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चों को ठीक ठाक स्कूल में भिजा सकते हैं, अगर आपकी सैलरी 50,000 मिल रहा है तो। फ्रेंड्स, ठीक 2 साल बाद 5 साल बाद ये फिगर 1,00,000 छू जाएगा। तो आप कहोगे इनकम तो इतनी सी है और जरूरतें और सपने इतने सारे हैं, इसके लिए क्या करें? 80% लोग दोस्तों इस चीज का समाधान कैसे करते हैं देखिए, 80% लोग अपनी जरूरतों को अपनी इनकम के अनुसार छोटा करते जाते हैं। लेकिन 20% लोग क्या करते हैं, जरूरतें इतनी है तो वो अपनी इनकम को इतनी कर लेते हैं जिससे कि उनकी जरूरतें बहुत छोटी रहती हैं। फ्रेंड्स, आप किस कैटेगरी में, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, ये निर्णय आपने लेना है। फ्रेंड्स, इंडिया में अभी 2 मेजर ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन से हैं देखिए। एक तो बहुत तेजी से एक हेल्थ की इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, जहां देखेंगे आप हर जगह हेल्थ का रेवोल्यूशन आ रहा है, स्वास्थ्य क्रांति आ रही है, चाहे योगा को लेकर ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल्स की रेट ले लीजिए, चाहे मरीजों की रेट ले लीजिए, हर जगह हेल्थ को लेकर बहुत तेजी से लोग अवेयर हो रहे हैं। और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनेयर्स निकाले हैं इस धरती के ऊपर। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग क्या कह रहे हैं देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो बोलते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग ने यूथ को एक बहुत अच्छा अवसर दिया है। बिल गेट्स, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर उन्हें दोबारा मौका दिया जाए तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से अपना वापस से वो सारा एम्पायर खड़ा करेंगे। वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट मैन वॉरेन बफेट वो भी यही सेम चीज बोलते हैं। हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, US प्रेसिडेंट की, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अगर अब सब स्क्रैच से आपको स्टार्ट करना पड़े तो आप क्या करेंगे। उन्होंने फ्रेंड्स बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, मैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनूंगा और काम पे लग जाऊंगा। ऑडियंस ने वह मजाक बनाया, तो उन्होंने तुरंत बोला, इसीलिए मैं यहाँ बैठकर इंटरव्यू दे रहा हूँ और तुम मेरी बातों पर तालियां बजा रहे। फ्रेंड्स, एक्स US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत प्रशंसा की, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग, जो 21st सेंचुरी के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस दे रहा है। और दूसरी इंडस्ट्री जो हमने डिस्कस की, हेल्थ इंडस्ट्री,
हेल्थ इंडस्ट्री के लिए आंकड़े बताए जा रहे हैं कि वो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनेगी। क्या ट्रिलियन डॉलर समझते हैं फ्रेंड्स? अभी तक दुनिया ने अरबपति देखे, लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री, स्वास्थ्य क्रांति जो आ रही है वो खरबपति निकालेगी। और ऐसा मैं नहीं फ्रेंड्स, प्रोफेसर पॉल जिन पिल्सन बोलते हैं। ये दो US प्रेसिडेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं और आप बोलते हैं कि आने वाली ट्रिलियनर निकालने वाली इंडस्ट्री अगर कोई होगी तो वो होगी नेटवर्क मार्केटिंग एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री। और फ्रेंड्स आपको जान के खुशी होगी, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। शायद इसीलिए इस कंपनी को द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड होना चाहिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये कंपनी जिसकी स्थापना आज से 40 साल पहले की गई थी और USA में ये स्टार्ट हुई कंपनी आज 160 देशों तक पहुंच चुकी है। फ्रेंड्स टोटली प्राइवेटली ओन कंपनी है और एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। इसका पहले साल का टर्नओवर लगभग 5-6 करोड़ था, जो आज लगातार बढ़ता बढ़ता इन 40 सालों के अंदर इसका अब हर साल का टर्नओवर लगभग 26,000 करोड़ का हो गया। टोटली कैश रिच कंपनी है, किसी की कोई लेनदारी नहीं है। ये जो आप ऑफिसेस देख रहे हैं 160 देशों में इनके परचेज ऑफिसेस हैं, कोई भी किराए पे। खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, जापान, UK, स्कैंडिनेविया, जर्मनी, सारी परचेज्ड प्रॉपर्टीज हैं। फ्रेंड्स आप सोचिए क्या जबरदस्त इस कंपनी का बैकबोन है, कितनी सॉलिड ये कंपनी फाइनेंशियली है। बात करें इंडिया में, ये जो आप इमारत देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत इमारत, ये इस कंपनी का इंडियन हेड ऑफिस है मुंबई में। इस कंपनी का ये जो हेड ऑफिस है इंडिया के अंदर, उस प्रॉपर्टी का नेटवर्थ लगभग 400 करोड़ होगा। फ्रेंड्स इंडिया में इस कंपनी के लगभग 18 अपने खुद के ऑफिसेस हैं, ये इन्होंने अलग अलग स्टेट्स में खोले हैं और आज भी लगातार नए नए ऑफिसेस खोलती जा रही है। सारे लीगल नॉर्म्स को पूरे करती है इंडियन गवर्नमेंट के, और ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के बल्कि 160 देशों के लीगल नॉर्म्स को पूरा करती है। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बड़ी कंपनी होगी ये। फ्रेंड्स आइए तो हम जानते हैं फॉरएवर करती क्या है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स। एलोवेरा तो आप जानते ही होंगे, ग्वारपाठा जिसे हम बोलते हैं, आए दिन अखबारों में छाया रहता है। कभी सलमान खान उसको पी रहे होते हैं, तो कभी शिल्पा शेट्टी, तो कभी दिया मिर्जा। सारे सेलिब्रिटीज से लेकर खूबसूरती के राज से लेकर क्रॉनिक डिजेनरेटिव बीमारियों को ठीक करने से लेकर आजकल तो यह हालत है कि नैपीज में, मोजो के अंदर, बेडशीट्स के अंदर, जीन्स के अंदर, जेंट्स के रेजर के अंदर, सब में एलोवेरा है। ऐसा क्या है एलोवेरा के और क्यों हमें जरूरत है आज इस एलोवेरा की, क्यों एकदम से बाढ़ आ रखी है? देखिए आज की अगर हम बात करें, खाना, पानी, हवा सबके अंदर जबरदस्त प्रदूषण आ रहा है। अगर हम खाने की बात करें तो आप देखेंगे 30% सभी के सभी फूड आइटम्स के अंदर मिलावट आ रही है। ऐसा मैंने अखबारों की सुर्खियां बोली। पानी की अगर हम बात करें तो राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा दूषित पानी पी रहे हैं, और ये चीज सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, पूरे भारतवर्ष तक सीमित है। और अगर हवा की हम बात करें, हाल ही के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की और उसमें वर्ल्ड के पूरे जितने भी शहर हैं उनमें वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में हमारे भारत के बहुत सारे शहरों के नाम थे, और उनमें से जयपुर और जोधपुर सबसे ज्यादा उसमें थे। फ्रेंड्स जयपुर 12वें नंबर पे था। आप सोचिए हमारा खाना, उसमें प्रदूषण, हमारा पानी, उसमें प्रदूषण, हमारी हवा, उसमें प्रदूषण। और ये सारी चीजें कहां जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर। और जैसे जैसे शरीर में आते हैं हम लोग बीमार पड़ने लगते हैं। और बीमारियों का भी हम बात करें, सिर्फ 3 सालों के अंदर फ्रेंड्स 70% कैंसर के मरीज बढ़ते गए हमारे देश के अंदर। डायबिटीज की बात कर लीजिए, या ब्लड प्रेशर के मरीज की, या गठिया बाय अर्थराइटिस के मरीजों की, बहुत तेजी से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चों के पिंपल्स हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, या पीएच में स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सबका कहीं ना कहीं फ्रेंड्स कनेक्शन हमारे इन पॉल्यूटेंट्स से डायरेक्टली लिंक्ड है। अब फ्रेंड्स एलोवेरा क्या करता है? एलोवेरा जो हमारी बॉडी में जाता है ये डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफिकेशन जैसे ही होता है आपकी बॉडी हल्की महसूस करती है, कुछ वजन कम होता है, स्किन में चमक आती है, आप एक नई स्फूर्ति, एनर्जी और एक नई रिजुविनेशन आपको फील होने लगता है। अब फ्रेंड्स बात आती है एलोवेरा या ग्वारपाठा तो हमारे घर के बाहर भी होता है, तो फॉरएवर का ही क्यों? आज क्यों फॉरएवर वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बन गई एलोवेरा के? फ्रेंड्स मैं आपको 3 मेजर कारण बताता हूं, आप गौर से देखिएगा। पहला रीजन, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स
के खुद के खेत। आज एलोवेरा के अंदर लगभग 400 प्रजातियां पाई जाती है। 400 में से सिर्फ 5 ही औषधीय गुण रखती है फ्रेंड्स, और 5 में से भी सिर्फ एक जो सबसे पावरफुल स्पीशीज है फॉरएवर उसी स्पीशीज को ग्रो करती है। इनके खुद के खेत हैं, उनमें से खुद हाथों से काटते हैं और तुरंत कटने के भीतर 6 घंटे के भीतर इसको ये लोग स्टेबलाइज करने के लिए भेज देते हैं। फ्रेंड्स, एलोवेरा का पत्ता जैसे ही जमीन से अलग होता है वो खराब होने लगता है। उसको खराब होने से बचाने के लिए फॉरएवर ने एक यूनिक पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस निकाला। इस स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से जब वो पत्ता जमीन से अलग होता है, उसको जब वो बंद बोतलों में पैक करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स में पैक करते हैं, तो वो खराब नहीं होता, नेचुरली वो लोग उसको स्टेबलाइज करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट, एलोवेरा को अपने एक एटमॉस्फेयर चाहिए। अगर जैसे नागपुर का संतरा, कश्मीर के सेब आप अपने घर के बाहर उगा दोगे, मौसम में शायद फल भी आ जाएगा, लेकिन क्या वो गुण आएंगे? जी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि उनको अपना एक एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक वैसे ही एलोवेरा 400 प्रजातियों में से वही एक प्रजाति अगर आपके घर के बाहर उगी भी है, लेकिन उसको भी तो अपना एक एटमॉस्फेयर चाहिए। फॉरएवर, क्योंकि इनके खुद के खेत हैं, ये अपने उन खेतों में उसी एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन फ्री जोन्स के अंदर इसको उगाती है, और उगाने के बाद सीधा ये लोग उसको स्टेबलाइज करते हैं। ये देखिए, ये लोग जब उसको स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबलाइज होने के बाद में ये लोग अपने ही शिप कंटेनर से वर्ल्ड वाइड 160 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक ही फैक्ट्री में इनका सारा का सारा प्रोडक्शन होता है और 160 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। कैन यू इमेजिन? इसलिए आज फॉरएवर वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बन गई है एलोवेरा के, क्योंकि एलोवेरा में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत बड़ी रेंज है इनके एलोवेरा की, स्किन केयर की, वेट मैनेजमेंट की, एलोवेरा ड्रिंक्स की, न्यूट्रिशन की, कॉस्मेटिक्स की, पर्सनल केयर की, बहुत बड़ी रेंज है। अब फ्रेंड्स, इन सभी सेगमेंट्स का बहुत बड़ा मार्केट है। अकेले स्किन केयर इंडस्ट्री 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, वेट मैनेजमेंट 18,000 करोड़, पर्सनल केयर लगभग 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। अब उसमें आपके पास अगर यूनिक पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होंगे तो सोचिए आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। फ्रेंड्स, बात आती है एलोवेरा, जो हमने इतना लंबा डिस्कस किया। एलोवेरा हमारे देश में तो बहुत हजारों सालों से जाना जाता है, हमारे यहाँ तो शायद इसको औषधियों का महाराजा भी बोलते हैं। आयुर्वेद के अंदर मैक्सिमम हर्ब्स के अंदर शायद एलोवेरा मिला के बोलते हैं। फ्रेंड्स, बात है आज वो आयुर्वेद जो इतने हजारों साल पुराना इतिहास रखता है, आज लोग क्यों नहीं यूज कर रहे उसके? जो लोग यूज करते हैं उनकी संख्या इतनी कम क्यों है? आइए देखते हैं कि हमारे माननीय मोदी जी क्या बोलते हैं उसके बारे में। जयसुखलाल हाथी करके उनका एक कमीशन बिठाया था, उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उस रिपोर्ट के प्रारंभ में लिखा है कि हमारे आयुर्वेद इसलिए लोगों तक नहीं पहुंचता है क्योंकि उसकी जो पद्धति है वो आज के युग के अनुकूल नहीं है। वो इतनी सारी थैला भर जड़ी बूटी देंगे और फिर कहेंगे इसको उबालना, इतने पानी में उबालना, फिर इतना रस रहेगा, एक चम्मच में लेना, फिर इसमें फलाना जोड़ना, डिकना जोड़ना और फिर लेना। तो जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको लगता है भाई ये कौन कूड़ा कचरा करेगा, उसके बजाय चलो भाई मेडिसिन ले ले, दवाई की गोली खा ले, अपनी गाड़ी चल जाएगी। और इसलिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहली आवश्यकता है, बहुत साल पहले का रिपोर्ट है ये, सबसे पहली आवश्यकता है आयुर्वेदिक दवाओं का पैकेजिंग। अगर उसका पैकेजिंग मॉडर्न दवाइयों की तरह कर देंगे तो लोग ये होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मोड़ जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि हमें वो उबालने वाली जड़ी बूटियां कहीं लेने के लिए जानी नहीं पड़ती है, हर चीज रेडीमेड मिलती है। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा मोदी जी ने एक ही चीज बोली कि अगर उन आयुर्वेदिक हर्ब्स का, जड़ी बूटियों का अगर मॉडर्न पैकेजिंग ला देंगे तो लोग इस तरफ मुड़ जाएंगे। और फॉरएवर ने एग्जैक्टली यही किया। फॉरएवर पिछले 40 सालों से उन्हीं चीज को मॉडर्न पैकेजिंग में लोगों के पास लेके आ रही है, मार्केट में लेके आ रही है, जिससे आज फॉरएवर वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बन गई है। अब फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर हम बात करें
तो हमें ये सारी चीजें मिलती कहां से? हमें ये सारी चीजें बाजार से मिलती है। बाजार में अगर आप कोई भी कंपनी का शोरूम डालते हैं तो आज उसमें लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। बिजली पानी का बिल अलग से, स्टाफ की सैलरी अलग से, ट्रेनिंग का खर्चा अलग से, लीगल फॉर्मेलिटीज अलग से, और 24 घंटे सातों दिन का टेंशन फ्री मिल रहा है। फॉरएवर फ्रेंड्स यहाँ पे बोलती है कुछ नहीं, आप एक मिनिमम ऑर्डर लगाएं, जो भी लिटरेचर है उसका कॉस्ट पे करें, बाकी अकाउंटिंग कंपनी करती है, कोई स्टाफ नहीं रखना, कोई स्टॉक नहीं रखना, वेयरहाउस कंपनी आपको देती है और वर्किंग आवर्स आप खुद डिसाइड करते हैं। अभी फ्रेंड्स हम एक अज्यूम करते हैं कि आप फॉरएवर के साथ उसके बिजनेस पार्टनर बनते हैं। अभी आपके पास उसके कुछ प्रोडक्ट है। अभी कोई कस्टमर प्रोडक्ट लेने कहां जाता है? कस्टमर सीधा दुकानदार से प्रोडक्ट लेता है, दुकानदार एक होलसेलर से प्रोडक्ट लेता है, होलसेलर सीएनएफ एजेंट से, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर कहीं आता है मैन्युफैक्चरर। फ्रेंड्स फॉरएवर ने सबको खत्म किया, फॉरएवर ने सीधा आपको खड़ा कर दिया बीच में। आपका कस्टमर सीधा आपसे प्रोडक्ट लेता है और आप सीधा कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं। बीच का मार्जिन जो वहां पट रहा था वो सारा मार्जिन कंपनी आपको दे देती है। फ्रेंड्स फॉरएवर को स्टार्ट करने के दो रास्ते हैं। एक स्लो ट्रैक, उसमें आप सिंपल सा एक फॉर्म भरें और मिनिमम 1000 रुपए का कुछ परचेज करने आपको लाइफ टाइम कंपनी 15% का डिस्काउंट देती है। और दूसरा फास्ट ट्रैक, उसमें आप 2cc का सामान से स्टार्ट करें, 2cc मतलब लगभग 30,000 के सामान से आप आपको स्टार्ट करें, उससे आपको कंपनी 15% की जगह जिंदगी भर 30% का डिस्काउंट देती है। जस्ट डबल आपका रिटेल मार्जिन हो गया, लेकिन साथ में फ्रेंड्स कंपनी आपको इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग राइट्स देती है। ये क्या होता है हम देखते हैं। सी फ्रेंड्स इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग राइट्स मतलब कि आप जैसे इंडिया में हैं, इंडिया में आप जयपुर में हैं, चाहे लुधियाना में हैं या लखनऊ में हैं, लेकिन आप जैसे 30,000 का टर्नओवर दे देते हैं उसके बाद आप अपने कस्टमर्स वर्ल्ड में 160 कंट्रीज में कहीं भी बना सकते हैं। आपको ग्लोबल रॉयल्टी स्टाइल इनकम आपको आने लगती है और आप एलिजिबल होते हैं इंटरनेशनली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने। या मैं ऐसे पोर्ट्रेट करूं फ्रेंड्स कि उस 30,000 का जो अपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट तो अपने को मिली, चाहे उसको सेल्फ यूज करें या उसको भी सेल करके आप एक अच्छा अर्निंग्स आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको लाइफ लॉन्ग एक 160 कंट्रीज के अंदर एक लाइसेंस मिल गया कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। सोचिए फ्रेंड्स इसमें अगर हम आगे चले, जो मैंने सीसी की बात की थी, 2cc जो 30,000 का होता है, सीसी क्या होता है? फ्रेंड्स क्योंकि फॉरएवर जो है एक ग्लोबल कंपनी है, 160 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, तो इनकी जाहिर सी बात है इनके हर कंट्री के अंदर करेंसी अलग है, तो इन्होंने इनके जो प्रोडक्ट्स हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कॉमन पॉइंट्स रखती है। इन्होंने बोला कि आप ये प्रोडक्ट आप चाहे जापान से लें, चाहे लंदन से लें, चाहे इंडिया से लें, उनके ऊपर फिक्स पॉइंट आपको मिलेगा। जैसे अपन शॉपर स्टॉप या लाइफस्टाइल जाते हैं, वहां पे आप जो भी शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के अगेंस्ट कुछ आपको पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स आपके अकाउंट में accumulate होते रहते हैं। उन points को forever यहाँ पे CC बोलते हैं। 1cc इंडिया में लगभग 15,000 रुपए का होता है। 15,000 में बहुत सारे products आ जाते हैं। तो 2cc लगभग 30,000 का सामान। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये forever का marketing plan है। जैसे ही आप यहाँ पे 1,000 रुपए का कुछ सामान लेते हैं, आपको 15% discount मिलता है। जैसे ही आप 2cc का सामान ले लेते हैं, आपको lifetime 30% का discount मिलता है। उसके अलावा कंपनी आपको कैशबैक देती है, वो जाता है 5% से लेकर 18%। तो आपका नेट इफेक्टिव बोनस अगर हम बात करें तो 35% के मार्जिन से लेकर 48% तक के मार्जिन तक आपका वो हो जाता है। और फ्रेंड्स एक बार आपने जो लेवल अचीव कर लिया वो लेवल परमानेंट है। ये लेवल्स कैसे अचीव होंगे? जो हमने 2cc की बात की, अगर वही आपने कुछ 10-12 लोगों को बताया और उन लोगों ने एक दो सीसी लिया और ऐसे करके आपका अगर 25cc का काम हो गया 2 महीनों के अंदर, तो आपका लेवल सुपरवाइजर हो जाता है। और ऐसे ही अगर 75cc करते हैं असिस्टेंट मैनेजर हो जाता है। एक अंतिम पड़ाव 120cc पे आप मैनेजर होते हैं, जिसपे आपको 48% का रिटेल मार्जिन मिलने लगता है। लेकिन एक बार आप जो भी लेवल ले लेंगे वो परमानेंट है। आप मार्केटिंग प्लान के बारे में डिटेल में मेरी दूसरी वीडियो है, उसमें आप समझ सकते हैं कि आप मार्केटिंग प्लान में कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब यहां से फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पे मैनेजर बनते हैं, यहाँ पे अब आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। देखिए यहाँ पे आप अगर नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई करते हैं तो आप सीनियर मैनेजर बनते हैं। जब आपके नीचे 2 लोग मैनेजर्स होते हैं,
सीनियर मैनेजर अगर एक नेटवर्क बनाते हुए ग्रो करते हैं तो साल का 20 लाख कमा सकते हैं। उसके बाद आते हैं सोरिंग मैनेजर जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, और फ्रेंड्स इंडिया में ऐसे लोग हैं जो एक साल का 12 करोड़ भी कमा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जो काम करना है आपने करना है, आप अपनी प्रोग्रेस को तय करते हैं। फ्रेंड्स हम इसमें आगे चले, कंपनी आपको गाड़ियां भी गिफ्ट करती है। इंडिया के अंदर लगभग 950 ऐसे लोग हैं जो फॉरएवर की गिफ्टेड कार्स चला रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। जो आप देख रहे हैं फॉरएवर ने मुझे कार गिफ्ट की, ये हमारा जयपुर का ऑफिस है, उसके बाहर ये मेरी कार है, और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब कोई और गिफ्ट करता है। सी अपनी कमाई से तो हम सभी लेते हैं, लेकिन कोई और सामने वाला आपके काम को अप्रिशिएट करके आपको एक अलग से कार गिफ्ट करता है तो जाहिर सी बात है उसकी खुशी अलग है। फ्रेंड्स आपको एक अच्छा मार्जिन मिलता है, रॉयल्टी इनकम आती है, साथ में कार फ्री में आ गई। इसके अलावा फ्रेंड्स कंपनी आपको यहाँ पे फॉरेन ट्रिप्स देती है, ग्लोबल ट्रेवल देती है, वो वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है, साल में 2 बार। ज्यादातर मैंने देखा है लोग आसपास सिंगापुर थाईलैंड जाए जाते हैं, ये फॉरेवर यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेवल कराते हैं, यूके, यूएसए, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है। फ्रेंड्स मैं बहुत लकी था जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया, मुझे विद इन 1 ईयर कंपनी ने यूरोप का टूर दिया, वो भी क्रूज के ऊपर। 10 दिन का टूर था, मजा आ गया, और ये सब फ्री में था 2 जनों का। तो आप देखिए अच्छा मार्जिन, रॉयल्टी इनकम, इंटरनेशनल बिजनेस, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, और इसके अलावा फ्रेंड्स कंपनी यहाँ पे आपको इंसेंटिव में बहुत बड़ा कैश अवार्ड भी देती है। कैश अवार्ड या दिवाली बोनस जिसे हम बोलते हैं, जो साल में 1 बार मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स इंडियंस को, भारतीयों को जो कैश अवार्ड मिला वो आप देख सकते हैं, किसी को 52 लाख, 57 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। और फ्रेंड्स एक मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखाऊं कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है। एक व्यक्ति को 2014 में यहाँ पे कैश अवार्ड मिला 9,40,000 का, हमारे इंडियन ही थे। उन्हीं को 2015 में कैश अवार्ड मिला 83 लाख का, ठीक 1 साल का, और ठीक अगले साल उनको कैश अवार्ड मिला 2,64,00,000। और उन्हीं को ठीक अगले साल 2017 में कैश अवार्ड मिला 3,84,00,000। आप सोचिए फ्रेंड्स 4 साल में 9 लाख के चेक से 3,84,00,000 का चेक, ये तो सिर्फ दिवाली बोनस है। अगर ऐसे दिवाली बोनसेस मिले, गाड़ियां मिले, फॉरेन ट्रिप्स मिले, अच्छा रिटेल मार्जिन मिले, तो क्या काम करने का मन नहीं करेगा? फ्रेंड्स मेरा क्या, इसीलिए मैंने इसको बोला द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। और फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताऊं, ये तो इंडिया की हालत है, मैंने बताया वर्ल्ड भी 160 कंट्रीज में चल रहा है। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें कि कैश अवार्ड्स, अगर आप देखें यहाँ पे 8-8 करोड़ के कैश अवार्ड जा रहे हैं। यूके छोटा सा देश है, हमसे 6 करोड़ का चेक जा रहा है। दुबई 3 करोड़ का चेक जा रहा है। जर्मनी 8 करोड़ की आबादी का देश है और वहां पे 8 करोड़ का सिंगल चेक जा रहा है, और हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी है और सिर्फ 4 करोड़ का चेक। मार्केट देखिए फ्रेंड्स कितना खाली है। फ्रेंड्स इसीलिए इसको ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या फॉरेवर से चेक आएंगे, सवाल है क्या आप फॉरेवर से अपने नाम का चेक लेना चाहते हैं। अगर फ्रेंड्स आप फॉरएवर से इतने बड़े चेक्स अपने नाम के लेना चाहते हैं तो आज ही इस नंबर पे संपर्क करें। मैं या मेरी टीम हिंदुस्तान के आप जिस भी कोने में होंगे वहां पे आके आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल वेरी गुड लक।